रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां पर वकीलों और पुलिस के बीच जंग फिलहाल खत्म नहीं हो रही है। 30,000 कोर्ट में वकील और पुलिस के बीच झड़प के 3 नए वीडियो सामने आए हैं। 2 वीडियोस में वकील पुलिस कर्मियों को घेर कर पीट रहे हैं, तो वहीं तीसरे वीडियो में एक वकील पर पुलिस वालों का आक्रोश दिखाई दे रहा है। हालांकि आज तक इन तीनों वीडियो की अपनी ओर से कोई पुष्टि नहीं करता है। 30,000 कोर्ट में किस कदर उत्पात मचाया गया, उसकी 3 ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। बारी बारी से इन तस्वीरों को देखिए और तय कीजिए कि जिन पर कानून को संभालने की जिम्मेदारी है, उन्होंने कैसे कानून को कुचला। पहली तस्वीर देखिए, 30,000 कोर्ट में लॉकअप के बाहर खड़ी एक बाइक में आग लगा दी गई है। कुछ पुलिसकर्मी और वकीलों के झुंड के बीच मारपीट होती है, भगदड़ मच जाती है। पुलिसकर्मी लॉकअप के बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उत्तरी दिल्ली की डीसीपी वकीलों के बीच फंस जाती हैं। पुलिसकर्मी उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, डीसीपी मोनिका भारद्वाज जान बचाकर भागती हैं। पुलिसकर्मी डीसीपी को तो बचा लेते हैं, मगर वो खुद वकीलों के हत्थे चढ़ जाते हैं। वकीलों का गुस्सा इन पुलिसकर्मियों पर बेहिसाब टूट पड़ता है। दूसरी तस्वीर देखिए, सैकड़ों वकीलों ने उत्तरी दिल्ली के डीएसपी हरेंद्र सिंह को घेर लिया है और जमकर लात घूंसे बरसा रहे हैं। हरेंद्र सिंह पर वकील बेल्ट से हमला कर रहे हैं। एडिशनल डीसीपी के साथ एसीपी भी हैं, जिन पर वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा है। एक तीसरी तस्वीर भी है, देखिए, ये भीतर की तस्वीरें हैं। यहाँ कई पुलिसकर्मियों का जमावड़ा है। इस जमावड़े के बीच पुलिसकर्मी एक वकील को लेकर आते हैं और उसे धक्का देते हुए अंदर ले जाते दिखते हैं। ये वीडियो वकील सागर शर्मा ने जारी किया है। सागर शर्मा की माने तो पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की। Many men are on me. They're thrashing me. They're brutally hitting me. मैं तो सर अपने आप को बचा भी नहीं पा रहा था। मेरे को एक इन्होंने कॉर्नर कर लिया। कॉर्नर में इनको मैं ये कह रहा हूँ, मेरे साथ क्या कर रहे थे, इन्होंने मेरे को मारना शुरू कर दिया। मारना शुरू कर दिया, मारते 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 जाके इन्होंने मेरे को लॉकअप ऑफिस में भी ले गए हैं सर। कानून के मुहाफिजों को ऐसे लड़ते देखना दुर्भाग्यपूर्ण भी है और अफसोसनाक। इसलिए अदालत के आदेश के बाद वकीलों और पुलिस अफसरों के बीच सुलह की एक बैठक हुई, मगर बैठक में भी तनातनी हुई और बैठक बेनतीजा रही। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी रुख किया। हाई कोर्ट में वकीलों ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अफसरों पर एफआईआर करने के लिए जनहित याचिका दायर की, तो सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने याचिका दायर कर मीडिया कवरेज रोकने की अपील की, मगर अदालत ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच जंग अभी खत्म नहीं हुई है। उम्मीद कीजिए ये जंग जल्दी खत्म। चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। वही उत्तर के पहाड़ी राज्यों में इस वक्त जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में जबरदस्त हिमपात हो रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां 3 जिलों में आसमान से बर्फ की खूब बारिश हो रही है। आपको दिखाएंगे उत्तरकाशी, औली, बद्रीनाथ और केदारनाथ का सफेद नजारा। खासकर स्कीइंग रिजॉर्ट औली में भी पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जहां जमकर बर्फबारी हुई। अब की बार कुदरत ने नवंबर में ही उत्तराखंड को सफेद रंग से रंग दिया है। आसमान से बर्फ की जोरदार बारिश के बाद उत्तराखंड के कई जिलों में कुछ फीट से लेकर कई इंच तक बर्फ जम चुकी है। शुरुआत करते हैं चमोली जिले में मौजूद विष्णु के धाम बद्रीनाथ से। मंदिर के कपाट अभी खुले हैं और आसमान से बर्फ की सप्लाई भी फुल है। देखिए, कई रंगों से सजा मंदिर बिल्कुल सफेद हो चुका है। हालांकि न्यूनतम तापमान 0 के नीचे जा चुका है, लेकिन पर्यटक भक्ति के साथ साथ स्नोफॉल का दोहरा मजा ले रहे हैं। इस सीजन की दूसरी बर्फबारी है ये श्री बद्रीनाथ धाम में। हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं इस नज़ारे को, और जो जितने यात्री हैं, टूरिस्ट लोग हैं, वो भी काफी एंजॉय कर रहे हैं। ये है रुद्रप्रयाग जिले में मौजूद शिव का धाम केदारनाथ। हालांकि केदारनाथ के कपाट भाई दूज के दिन ही बंद हो चुके हैं, लेकिन बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ भी रात का तापमान 0 डिग्री से नीचे लुढ़क चुका है। हालांकि यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं है, लेकिन बर्फबारी से जीर्णोद्धार में लगे लोगों के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। अब आपको उत्तरकाशी जिले की तस्वीर दिखाते हैं। हरसिल के पास मुखी मठ में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बीच ही भागीरथी की आरती और पूजा अर्चना जारी है।
आसमान से गिरती ये सफेद बर्फ किसानों और पर्यटकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। उत्तरकाशी में मौजूद गंगोत्री का न्यूनतम तापमान -2 डिग्री दर्ज किया गया। सीजन का ये पहला स्नोफॉल है और माना जा रहा है कि अब की बार भी बर्फबारी जबरदस्त होने वाली है। और अब देखिए हिंदुस्तान के मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट औली का नजारा। अमूमन यहाँ दिसंबर में बर्फ गिरनी शुरू होती है, लेकिन इस बार तो नवंबर के पहले सप्ताह में ही कुदरत ने कमाल कर दिया। औली में स्नोफॉल से न सिर्फ टूरिस्ट बल्कि होटल व्यवसायियों की भी मौज हो गई है। पूरा स्कीइंग रिजॉर्ट सफेद हो चुका है। इस वक्त उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में सबसे ज्यादा बर्फ गिर रही है। इन्हीं तीन जिलों में मौजूद हैं चार धाम जो इस वक्त बर्फ से ढक चुके हैं। उत्तराखंड में जोरदार बर्फबारी का ये भी मतलब है कि अब दिल्ली और दूसरे मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ेगी। बद्रीनाथ से कमल नयन सिरोड़ी और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का अब रुख करेंगे। यहां भी खूब बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग, रजौरी और पुंछ में आसमान से बर्फ गिर रही है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी लाहौल स्पीति और कुल्लू में पूरा इलाका सफेद बर्फ की चादर से ढक चुका है। मौसम बेमिसाल बेनजीर है। ये कश्मीर है, पिनार और देवदार से लिपट गया है कुदरत का करिश्मा। गलियों में, सड़कों पर, बाजारों में कुदरत ने बिखेर दी है सफेद चांदनी। पहली बर्फबारी में ही कश्मीर का दामन बर्फ से भर गया है। चौक चौबारों पर बर्फ की सफेद चादरें कश्मीर को कश्मीर बना रहे। पहली बर्फबारी ने लोगों को खुश तो किया, मगर कई लोगों के लिए यही बर्फबारी मुसीबत का सबब भी बन गई। बर्फबारी ने अपने इसमें शिद्दत से लपेट में लिया है और लोगों को काफी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उधमपुर का दामन भी बर्फ से गुलजार है। अनंतनाग में तो आकाश से बर्फ बरस रही है। गलियों में कई फीट तक बर्फ जमा हो गई है। गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत जमा है। श्रीनगर और उधमपुर में भी जोरदार बर्फबारी ने माहौल को सर्द कर दिया है। कुदरत का बर्फीला करिश्मा सिर्फ कश्मीर ही नहीं, हिमाचल में भी दिखा। देखिए ये लाहौल स्पीति की तस्वीरें हैं। चारों ओर बर्फ की मोटी परत दिखती है। आसमान से झिनझिन गिरती बर्फ। कुल्लू में भी पहली बर्फबारी ने मौसम को सर्द कर दिया है। देखिए जबरदस्त बर्फबारी की बदौलत रास्ते जाम हो गए हैं। यहां 48 लोग बर्फबारी के चलते रास्ते में फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। लाहौल स्पीति के कोकसर में भी मौसम मेहरबान हुआ, यहां भी जोरदार बर्फबारी हुई। मौसम की पहली बर्फबारी ने जहां सैलानियों को खुश कर दिया, लेकिन रास्ते बंद होने से यात्रियों को मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।